أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأعظم الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا أرحامكم ولو بالسلام बुलंद आवाज में सलवात पढ़े मोहम्मद वाले भाई। अगर मिलकर बैठना ही है तो पीछे क्यों बैठे, आगे बैठे, आगे आ जाइए। मिलकर बैठना ही है फिर आगे बैठे। मैं नहीं चाहता कि हमारे नौजवान पीछे बैठकर पीछे हो जाएं। आप आगे आए नारा हैदरी नंबर है अक्रम ختمی مرتبہ پیچھے بھر لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اللہ آپ کی خدمات کو قبول کرے اور جو بھی حسین کے غم میں اپنا حصہ ڈالتا ہے امام حسین سے فراموش نہیں کرتے اور اس کا قرضہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو چاہے سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ دیکھیے یہ وہ سوچ سمجھ کے میں نے انتخاب کیا ہے۔ آج کا عنوان ہے میری آج کی اس مجلس کا، بچے زیادہ ہیں تو پھر میں نے چینج بھی کیا ہے اپنے ٹاپک کو، اور جت آپ سہارا دیں گے ساتھ دیں گے اتنا ساتھ دینا ہوگا۔ آج ہم گفتگو کریں گے عظمت سلام کے، سلام کرنے کی عظمت کیا ہے، گفتگو انشاءاللہ اس پر رہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو چاہے سلام کے ذریعے۔ ایک لفظ ہے اسلامی شریعت میں صلہ رحمی کا، اور اس کے مقابلے میں ہے قطع رحم۔ صلہ رحم اور قطع رحم، یہ دو لفظیں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی، صلہ رحم یا قطع رحم، بہت تیز گرمی ہے،
आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज में ठंडा पानी रखा है, आपका रिश्तेदार प्यासा है, उसे पानी की तलब है, आपने उसे पानी पिला दिया तो ये सिले रहेंगे, नहीं पिलाया तो ये पते रहेंगे। पानी पिला दिया तो सिले रहमी है, नहीं पिलाया तो पते रहेंगे। आप बहुत बड़े ताकतवर हैं, आपका खानदान कमजोर है, आपने अपनी ताकत से अपने खानदान की कमजोरी को दूर कर दिया तो ये सिले रहमी है, अगर न किया तो ये पते रहेंगे। आप बड़े मालदार हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ी है, बंगला है, खेती बाड़ी है, मवेशी हैं, गल्ला है, पैदावार है, हीरे जवाहरात हैं, पूरी दुनिया में आपके ऑफिसेस हैं, बिजनेस है, आपके खानदान वाले गरीब हैं, आपने उनकी गुर्बत को दूर कर दिया तो ये सिले रहमी है, अगर न किया तो ये पते रहेंगे। अब अगर कोई कहे मौलाना साहब न फ्रिज है, न घर है, न बंगला है, न गाड़ी है, न दौलत है, न हीरे जवाहरात हैं, मैं सिले रहमी कैसे करूं, तो पैगंबर ने कहा हाथ उठाकर सलाम को कहे, सलाम तो कर सकते हो, हाथ तो उठा सकते, जो हाथ सलाम के लिए नहीं उठ सकता वो हाथ मदद के लिए क्या, जो हाथ सलाम के लिए नहीं उठ सकता, सलाम के लिए तुम अपने हाथ को उठा नहीं सकते, वो हम हाथों में ताकत नहीं है उठने की, सलाम के लिए जो नहीं उठ सकता हाथ, तो तुम उस हाथ से मदद क्या करोगे। तो सलाम के लिए हाथ उठाने की आदत डालो ताकि मदद के लिए तुम्हारा हाथ उठने का आदि बने। समझ रहे क्या कहने जा रहा हूं, सलाम सिले रहमी, मौजू मेरा सिले रहमी नहीं है, लेकिन हदीस में चूंकि सिले रहमी के साथ सलाम की लफ्ज चिपकी हुई है, इसलिए मैं इसको जरा वाजे कर रहा हूं। सिले रहमी का फायदा क्या है, पहला फायदा इस्लाम ने यह बताया पैगंबर अकरम ने, आप लोग लिखवा रहा है, मैं हर तरह की मजलिस पढ़ सकता हूं, पैगंबर अकरम ने फरमाया सिले रहमी करो तुम्हारे रिस्क में इजाफे का मैं जिम्मेदार, सिले रहमी करो तुम्हारे रिस्क में इजाफे का मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा, दुनिया कहती है बांटने से घटेगा, इस्लाम कहता है बांटने से बढ़ेगा। दुनिया की साइकोलॉजी यह है, वो समझती है बांट दोगे तो घट जाएगा, इस्लाम कहता है बांटने से बढ़ेगा। जंगे खंदक के दिनों में, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, जंगे खंदक के दिनों में मदीने में मियां बीवी का एक जोड़ा था, औलाद उनकी कोई नहीं थी, अब मियां और बीवी दोनों थे। एक दिन बीवी ने अपने शौहर से कहा कि आज रात खाने में हम दो के अलावा कुछ खाना इजाफी है हमारे पास, एक आदमी आराम से खा सकता है, तो मैं सुनती हूं कि रसूलुल्लाह भूखे हैं, क्या ही अच्छा है कि रसूल के कदम हमारे घर आ जाएं, रसूलुल्लाह हमारे खाने में से
कुछ खाना तनावुल फरमा ले, जाके नबी से कह दो। तवज्जो रहे, वो गया, देखा पैगंबर अकरम अपने अज़हाब के दरमियान तशरीफ फरमा है, वालो नसीहत फरमा रहे हैं। इसने जाके कान ने कहा, या रसूलल्लाह आज रात मेरे घर में आपके लिए खाना है, ज़ियाफ़त है, घर में मेरे खाना है, आज रात आप मेरे घर में खाने के लिए तशरीफ लाएं। पैगंबर अकरम ने जितने सहाबा बैठे हुए थे ऐलान कर दिया कि आज रात को इस सहाबी के घर में तुम सबके लिए खाना है। बड़ा उदार घर पे आया, या अल्लाह, लेने के देने पड़ गए। एक के लिए मैंने एक को दावत बोली थी, मतलब कहते हैं ना एक को दावत, एक घटकू नहीं, एक को दावत, एक को दावत, बड़ा फलसफा है इसमें, एक को दावत में है, बड़ा फलसफा है। एक को दावत में मैंने कही थी, पैगंबर अकरम ने ऐलान कर दिया, ऐलान आम कि इस गरीब साहबी के घर में सबके लिए दावत है, तुम सब मेरे साथ चलो। उदास घर आया, बीवी ने कहा उदास क्यों हो, कहा लेने के देने पड़ गए, बड़ी मुश्किल में आ गया। गया था रसूलुल्लाह सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे, मैंने कान में रसूलुल्लाह से कहा कि आपको एक दावत है, और रसूल ने आम ऐलान कर दिया, मैं क्या करूं। तो बीवी बड़ी हौसले वाली थी, बीवी अगर हौसले वाली हो तो फकीर मर्द को बादशाह बनाना भी है। बीवी बीवी बड़ा काम करती है, बीवी बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा काम करती है। मर्द की गुर्बत में उसका बहुत बड़ा सहारा होती है। पैगंबर अकरम उसने कहा कि मैंने एक को दावत कही थी, पैगंबर अकरम ऐलान कर दिया, तो बीवी ने कहा डरते क्यों हो, नियत एक की थी, दीवार का खजाना आई, नियत एक की थी, बरकत हजार की, इसीलिए हम भी मजलिसों का ऐलान करते हैं तो तबर्रुक बांटने वाले हजार निकल आते हैं। नियत करो बांटने की, इजाफे का जिम्मेदार अल्लाह है और उसका रसूल है। इजाफे का जिम्मेदार अल्लाह और उसका रसूल है। सिला रहमी के लिए यह भी कहा गया, न सिर्फ रिस्क बढ़ेगा, उम्र भी बढ़ेगी। मलकुल मौत को भगाना हो तो सिला रहमी करो, मलकुल मौत को भगाना हो तो सिला रहमी करो। सिला रहमी से बीमारियां कटती हैं, उम्रों में इजाफा होता है। डॉक्टर्स कहते हैं शुगर पेशेंट हो, हार्ट के मरीज हो, फला गिजा ना खाओ, टहलना शुरू कर दो, तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो भी मस्जिद ग्राउंड लगाती है सुबह सुबह उठती है। बहुत से लोग चक्कर लगाते हैं, उन्हें डॉक्टरों के कहने पर यकीन है, शरीयत के कहने पर यकीन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंजूसी ग्राउंड लगा रहे हैं, आपका दिमाग दूसरी तरफ ना जाए। मैं मेरे चुनलों का जिम्मेदार हूँ, आपकी फिक्रों का जिम्मेदार नहीं हूँ। गुफ्तगू हो रही है सलाम पे। अच्छा, इस्लाम ने कहा कौन किसे सलाम करे। सलाम की जो उम्र है वो 1400 साल की है, तवज्जो रहे, सलाम की जो उम्र है वो कितने 1400 साल हो गए सलाम को इस दुनिया में पैदा हुए।
मैं आज इस पर बड़ा मजलूम है, लोग सिर्फ गर्दन हिलाते हैं, ये इतना बड़ा मजलूम है, ये लोग सिर्फ गर्दन हिलाते हैं। गर्दन हिलाना इबादत नहीं है, बोलना इबादत है, जवाब देना इबादत है। इस्लाम ने इसके भी आदाब मुअय्यन किए हैं, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, इसके भी इस्लाम ने आपको लुत्फारा की नहीं, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, पूरी पॉइंट बात करता हूँ, तवज्जो आप मेरी तरफ रखिए, नजर कहीं, दिमाग कहीं, हाथ कहीं नहीं चलेगा। इस्लाम ने आदाब मुअय्यन किए हैं सलाम के भी। इस्लाम ने कहा कौन किसे सलाम करेगा, बच्चा बड़े को सलाम करेगा, मेरे छोटे बच्चे हैं यहां। इस्लाम क्या कहता है, बच्चा बड़ों को सलाम करेगा। फिर इस्लाम कहता है अगर बच्चा बड़े को सलाम ना करे तो बड़ा सलाम करेगा, तो बड़ा शिकायत ना करे, चार दिन बच्चे को सलाम करे, पांचवें दिन बच्चा मजबूर होकर तो सलाम करेगा। तबरुक खाने वाले बच्चे बागैरत होते हैं, बेदीरत नहीं होते। बड़ा सलाम करे, तरबियत बड़ों से दी जाती है। आपने जो तरबियत दी उसका असर आपके बच्चों पर भी ट्रांसफर होगा। बच्चे जैसा देखेंगे वैसा करेंगे, इसीलिए ईरान ने जनाब मुख्तार की सीरियल बना के बच्चों में फैला दी, मुख्तार देखेंगे तो मुख्तार बनेंगे, मुख्तार देखेंगे तो मुख्तार बनेंगे। तो जैसा बच्चे बड़ों को देखते हैं वो वैसा ही करते हैं। बच्चा बड़े को सलाम करे, तवज्जो रहे, ये गुफ्तगू अभी इब्तिदा में है। अगर बच्चा सलाम ना करे तो बड़ा बच्चों को सलाम करे, जब तक के उसकी वो हैबिट ना हो जाए। उसके बाद इस्लाम ने कहा सवार पियादा को सलाम करे। जो सवार है, उस जमाने में सवार का मतलब घोड़े पे, ऊंट पे जो होता था, खच्चर पे, गधे पे, पैदल चलने वाले को, सवार जो है वो पैदल चलने वाले को सलाम करे। आज कार में बैठा हुआ आदमी, साइकिल पे सवार, मोटरसाइकिल पे सवार, और कार ऊंची से ऊंची भी हो सकती है, घटिया से घटिया भी हो सकती है, 25,000 की भी हो सकती है, 25,00,000 की भी हो सकती है, 2 करोड़ की भी हो सकती है। तो जो सवार है, इस्लाम ने यह नहीं कहा कि अच्छी गाड़ी में हो या बुरी गाड़ी में, सस्ती गाड़ी में हो या महंगी गाड़ी में, सवार प्यादे को सलाम करे, ताकि सवार के दिल में गुरूर पैदा ना हो और प्यादे को ये मालूम हो कि मेरा भाई दौलत आने के बाद बदला नहीं है। ये दो नसीहत हैं ताकि पले, यानी अगर सवार को प्यादा सलाम कर दे तो उसके दिल में गुरूर पैदा होगा। लिहाजा गुरूर को अगर खत्म करना हो तो तुम सलाम कर लिया करो, तुम्हारा गुरूर खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा तुम्हारा गुरूर। तुम अब ये नफ्सियात या साइकोलॉजी तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी कि मैं गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ, ये चल रहा है, पैदल चल रहा है। तुम जो हकारत के देखने का जो दरवाजा था, इस्लाम ने उसे बंद किया है। हकारत से देखने का जो दरवाजा हो सकता था, खुल सकता था, इस्लाम ने उसे बंद किया। का सवार पियादा को सलाम करे, ताकि सवार के दिल में गुरूर पैदा ना हो और पियादे को यह महसूस हो कि नेमतें मिलने के बाद मेरा भाई बदला नहीं है। कुछ लोग दुश्मनी में जवाब सलाम नहीं देते, कुछ लोग दुश्मनी में, जाती दुश्मनियां होती हैं ना, कारोबार की दुश्मनियां होती हैं, खानदान कबीले की दुश्मनियां होती हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, बहुत सारी सोशल
जब बर्तन आपस में मिलते हैं तो टकराते हैं, टकराने की आवाज आती है, लड़ाई होना एक कॉमन चीज है, झगड़ा होना एक कॉमन बात है। ये ऐसा नहीं कि बड़े खानदान में है उन्होंने लड़ लिया, छोटे खानदान, बड़ा खानदान, ऊंची जात, निचली जात, झगड़े के झगड़ा इन चीजों को नहीं देखता। झगड़ा झगड़ा है, झगड़ा झगड़ा है, और कहीं भी हो सकता है, किसी के घर में भी हो सकता है झगड़ा, किसी दो दोस्तों में झगड़ा हो सकता है, दो भाइयों में झगड़ा हो सकता है, दो रिश्तेदारों में झगड़ा हो सकता है। तो जाति दुश्मनी की बुनियाद पर बाद लोग कहते हैं कि उसने सलाम किया था, मैंने जवाब सलाम नहीं दिया, फिर फखरिया। यही नहीं कि उन्होंने जवाब सलाम नहीं दिया, नहीं दिया, मर्दूद चुप हो जा, नहीं दिया, खामोश हो जा, फिर आके कहता है कि उसने मुझे सलाम किया था और मैंने उसे पलट के जवाब नहीं दिया। तो इस्लाम ऐसे लोगों के बारे में ये कहता है कि देखिए सलाम है मुस्तहब, जवाब वाजिब क्यों है, बताइए मुझे, आप लोगों में से कोई एक बताए जवाब सलाम वाजिब क्यों है, सलाम का जवाब इस्लाम ने वाजिब क्यों रखा है? एहतराम तो सलाम करने में भी एहतराम है, जवाब सलाम वाजिब क्यों है? तो याद रखिएगा, शरीयत ने इम्तिसाल वुजूब जिंदों से मांगा है, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, शरीयत ने इम्तिसाल वुजूब जिंदों से मांगा है, यानी हुक्म वुजूब है जिंदों पर, नमाज जिंदों पर वाजिब है मुर्दों पर नहीं, रोजा जिंदों पर वाजिब है मुर्दों पर नहीं, हज जिंदों पर वाजिब है मुर्दों पर नहीं, ज़कात जिंदों पर वाजिब है मुर्दों पर नहीं, खुम्स जिंदों पर वाजिब है मुर्दों पर नहीं, अमर बिल मारूफ जिंदों पर वाजिब है मुर्दों पर नहीं, सलाम का जवाब वाजिब है, सलाम करके तुम टटोलो के आगे वाला जिंदा है या मुर्दा। इसीलिए कब्रिस्तान में भी सलाम करने को मुस्तहब करार दिया, ताकि ये साइकोलॉजी तुम्हारे अंदर परवान चढ़े कि तुम अपने मुर्दों को भी मुर्दा ना समझो। अगर कब्रिस्तान का मुर्दा भी जवाब दे तो वो जिंदा है, और अगर महल्ले का जिंदा जवाब ना दे तो वो मुर्दा है। आपको इस्लाम ने कहा खाली घर में भी सलाम करो, खाली घर में इंटर होना, घर पे कोई नहीं है, अपने ही घर पे, मगर आदत डालो सलाम करने की, अस्सलाम वालेकुम। इसने पूछा या रसूलल्लाह खाली घर में सलाम क्यों? पैगंबर अकरम ने फरमाया तुम उन्हीं को देखते हो जो तुम्हें दिखाई देते हैं, कुछ मखलूक वो भी है जिनको तुम दिखाई देते हो, तुम उन्हीं को देखते हो जो तुम्हें नजर आते हैं दिखाई देते हैं, कुछ मखलूकात ऐसी भी होती हैं जिनको तुम दिखाई देते हो, तो जो विजिबल चीजें हैं वो नहीं, अनविजिबल चीज मखलूक को भी अपना कैरेक्टर दिखाओ। अनविजिबल मखलूक जो दिखाई तुम्हें नहीं दे रही है, बज़ाहिर जहां तुम अकेले हो, तन्हा हो, सलाम के मानी है इस्लाम ने 1400 साल पहले अस्सलाम अलैकुम रखा, या सलाम अलैकुम, अस्सलाम तन्वीन के साथ अलीफ लाम लगा के अस्सलाम अलैकुम या सलामुन अलैकुम, ये दोनों सही हैं, दोनों जुमले सही हैं, अस्सलामुन अलैकुम नहीं, ये गलत है, अस्सलामुन अलैकुम गलत है। अरबी अदब में अलिफ लाम और दो पेश एक जगह जमा नहीं होते, याद रखिएगा, अरबी अदब में अलिफ लाम और दो पेश एक जगह जमा नहीं होते,
या अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम दो पेश के साथ अगर आप कह रहे हैं तो अलिफ लाम को हटाएंगे, अगर अलिफ लाम को रख रहे हैं तो फिर दो पेश को आप हटाएंगे। तो अलिफ लाम और तनवीन, अरबी में तनवीन कहते हैं दो पेश को। जो लोग तजवीद, जो लोग कुरान पढ़ रहे छोटे बच्चे, वो लोग जानते हैं अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, वअलैकुम अस्सलाम इसका जवाब है आप पर भी सलामती हो, आप भी सलामत रहो, तुम भी सलामत रहो, आपको हमारी तरफ से सलामती हो। तो जवाब में कहा जाता है तुम भी हमारी तरफ से, हमारी दुआ है, ये दुआइया जुमला है, सलामुन अलैकुम भी दुआ है, वअलैकुम अस्सलाम भी दुआ है, दुआ का बदला दुआ है, एहसान का बदला एहसान है। समझ रहे हैं क्या कहने जा रहा हूं? इसीलिए इस्लाम ने कहा इज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यु बिहा औ अहसन मिन्हा, अगर तुम्हें कोई सलाम करे तो वैसा ही जवाब दो या उससे अच्छा जवाब दो। कोई आपको कहे सलाम अलैकुम तो आप उसे जवाब दो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, अगर उससे व रहमतुल्लाह व बरकातहू कह दिया तो कहो व रिज़वानुल्लाह व मग़फ़िरतुहू व रिज़वानुहू, यानी जो तुम्हें सलाम मिला है उससे अच्छा तुम उसे जवाब दो। पहले जमाने में क्या होता था, बड़े बच्चों को समझाते थे कि तुम सलाम करो। इस्लाम की तहजीब यह है, बड़े तवज्जो चाहता हूं अल्लाह मोहतरम, इस्लाम की तहजीब यह है कि तुम घर के अंदर आना तो सलाम करके आना, घर के अंदर आना तो सलाम करके आना, घर से जाना तो सलाम करके जाना। मां को सलाम करोगे तो मां तुम्हें जवाब में देगी अलैका सलाम बेटा, तुम सलामत रहो। बाप को सलाम करोगे, जवाब देना वाजिब है, बाप कहेगा बेटा तुम सलामत रहो। दादा को सलाम करके जाओगे तो दादा जवाब देगा वालेकुम सलाम बेटा, तुम सलामत रहो। दादी को सलाम करके जाओगे तो दादी जवाब देगी वालेकुम सलाम बेटा, तुम सलामत रहो। नाना को सलाम करके जाओगे, नाना कहेगा वालेकुम सलाम बेटा, तुम सलामत रहो। नानी को सलाम करके जाओगे, नानी कहेगी वालेकुम सलाम बेटा, तुम सलामत रहो। तो अब जब तुम चलोगे तो अकेले नहीं चलोगे, तुम्हारे साथ दुआओं का काफिला चलेगा। तुम अकेले नहीं जाओगे, दुआओं का काफिला तुम्हारे साथ जाएगा। फिर नामुमकिन है कि तुम बिजनेस में फिलअप हो जाओ, नामुमकिन है कि तुम क्लास में फेल हो जाओ। जब इतनी दुआएं लेकर अगर यकीन ना आए तो हदीस की किताब को पढ़ो, यकीन ना आए तो हदीस की किताब को पढ़ो। हसन आए तो कहा अम्मा सलाम, हुसैन आए तो कहा अम्मा सलाम। हदीस की किताब बता रही है मां से जितनी दुआएं ले सकते हो ले लो। एक है हदीस किसा की तहजीब, घर के अंदर आओ तो सलाम करो, और कर्बला का है शहीद जब खैमे से निकला है तो हुसैन को सलाम करके निकला है। तो जो सलाम नहीं करता ना उसने हदीस किसा को समझा ना उसने मकसद कर्बला को समझा। सलाम का फायदा क्या है, सलाम का फायदा क्या है, मैं फायदा बताऊं सलाम का, बड़ा फायदा है। 1400 साल हो गए, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, 1400 साल हो गए, हर दौर में हर बड़ी ताकत ने हमें मिटाना चाहा, हर दौर में हर बड़ी ताकत दे तो नहीं होगी,
हर दौर में हर बड़ी ताकत ने हमें मिटाना चाहा। आप लुत्फ आ रहा है कि नहीं, बदल दूंगा। हर दौर में तवज्जो मेरी तरफ रखिए, हर दौर में हर बड़ी ताकत ने हमें मिटाना चाहा। नबी के बाद दौरे अली आया, कितनी बड़ी ताकतें उठी, ना किसी मारकीन खासतीन, ये सब क्या थे, खवारिज। इसे हमारे जान के दुश्मन, खून के प्यासे। मगर हम नहीं मिटे, ताकत मिटी, हम नहीं मिटे। दौरे अली के बाद दौरे हसन आया, हम नहीं मिटे। दौरे हसन के बाद दौरे हुसैन आया, लाखों आए हमें मिटाने को। याद रखिएगा, लाखों आए हमें मिटाने को। अरे जुमला कह रहा हूं, हाफिले में भी जुमला दे रहा हूं, हमेशा कसरत किल्लत में गुम हो जाती है। जब क्राउड ज्यादा होता है तो कम लोग गुम हो जाते हैं। आप अरबी को आप चाहिए, पूरा गांव भी जाएगा गुम हो जाएगा। वहां करोड़ों लोगों में चंद लोगों की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन यह अजीब बात है। क्राउड में कम लोग गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, पता नहीं चलता कहां गए। लेकिन ये अजीब बहादुर थे, लाखों मिटाने आए थे, लाखों नहीं। अगर आप तारीखी रिवायत की बात करें, 30,000 से ही, 30,000 की भीड़ में 72 की औकात क्या। तो ये चौथा आदत मोहतरम, जहां 30,000 का हुजूम हो, मस्जिद से गांव वाले निकलते हैं तो 700 लोगों का हुजूम होता है बड़ी मुश्किल से। कितने 700, आप गिन लीजिए, एक एक को गिनिए। मैंने पूरी मस्जिद के सरों को गिनाए थे, सच में कह रहा हूं, पूरी मस्जिद के सरों को एक दिन गिना, 700 से ज्यादा नहीं थे, कम। कई बार गिना होंगे, एक बार नहीं, कई बार गिना हो लोगों को, 500, 600, 700, मैक्सिमम 700। 700 में भी दो चार लोग पता नहीं कहां गुम हो जाते हैं। बड़ी परेशान था मैं, बड़े बड़े जुमले में कह रहा हूं, बस एहसास चाहिए आपको, वो रिसीव, जुमला रिसीव करें, जुमला रिसीव करें तो मुंह खोलें। जुमला रिसीव करें तो मुंह खोलें। मुझे भी महसूस हो कि मैं अपने मोती रेत पर नहीं फेंक रहा हूं। मुझे महसूस हो। तो लाखों आए हमें मिटाने करबला में, वो मिट गए। ना उनका नाम बाकी है, ना निशान बाकी है, ना हसब बाकी है, ना नसब बाकी है, कुछ बाकी नहीं। लेकिन ये मजलिस है, 72 का हसब भी बता रही है, नसब भी बता रही है, शजरा भी बता रही है, इनकी कब्रों को पता ही दे रही है। खुद अगर 12 किलोमीटर दूर दफन है तो वहां भी जाहिर इनका हुजूम है। और करें भी क्या कहते जा रहा हूं, तो क्राउड में किल्लत गुम हो जाती है। ये अजीब 72 थे जिनमें क्राउड हो गया था, जिनमें कसरत गुम हो गई थी। अच्छा, ये हमारी जिंदगी का राज क्या है?
हम क्यों बचे हुए हैं 1400 साल से, ना तोप हमारे पास, ना मिसाइल हमारे पास, ना लश्कर हमारे पास, ना मिलिट्री हमारे पास, और सबसे बड़ा असलहा मीडिया, मीडिया भी हमारे पास नहीं है। ये सबसे बड़ा असलहा मीडिया है, मीडिया भी हमारे पास नहीं है। तो फिर वो कौन सी ताकत है जो हमें बचाए हुए है, वो कौन सी ताकत है जो हमें बचाए हुए है? बस वो एक ही ताकत है। हर रोज किबला रुक करके हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो हर दिन हमें जवाब मिलता है। नबी कहते हैं तुम सलामत रहो, अली कहते हैं तुम सलामत रहो, हसन कहते हैं तुम सलामत रहो, हुसैन कहते हैं तुम सलामत रहो। जिस कौम को हर रोज 14 मासूम जीने की दुआ दे, जिस कौम को 1400 साल से 14 मासूम जीने की दुआ दे, उसे ना अमेरिका खत्म कर सकता है, ना इजराइल खत्म कर सकता है, बल्कि उल्टा। और ये जीने की दुआ है सलाम, जीने की दुआ देना, जीने की दुआ देना। पूरी दुनिया जिसे सलाम करके जीने की दुआ लेता है उसे मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद जिसके घर पे सलाम करके जिससे जीने की दुआ लेता है उसे जहरा कहते हैं। आले जहरा को हम सलाम करके जो दुआ देते हैं, आज आए तुझे खामनाई की बोलने में, अल्फाज में जो इतनी ताकत है, दुनिया घबरा रही है। ग्लोबल हॉट के बाद रहबर ने कहा कि वह दिन बीत गया है जब हम शाबे अभी तालिब में थे, अब अगर तुमने हमला करने की कोशिश की तो हम तुम्हें खैबर याद दिला देंगे, हम तुम्हें खैबर याद दिला देंगे, हम तुम्हें खैबर याद दिला देंगे। अरे हम तुम्हें खैर किसने कहा रहबर? पूरी दुनिया क्यों डरती है? डरने की सिर्फ एक ही वजह है, ये हर रोज अपने जमाने के ईमान को सलाम करता है, उससे जीने की दुआ लेता है, जो जिससे जीने की दुआ ले, जिसे ईमान जीने की दुआ दे, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं। जिसे ईमान जीने की दुआ दे, जिसे इमाम जीने की दुआ दे, उसे दुनिया की कोई कौम अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत तरीन उलमा दिए, खूबसूरत हस्ती जिनके चेहरे को देखने को जी चाहता है, ये दुआ ले रहे ईमान की। खामनाई को देखिए, जी देखने का जी चाहता है, देखने का जी, सिस्तानी को देखिए, देखने का जी चाहता है। सलामत है तमाम उलमा इकराम, तमाम मर्जा इकराम, बाबा से बहुत सलाम। इनको देखिए, देखने का जी चाहता है, दिल चाहता है कि देर इनको देखा करें, टिकटिकी बांध के देखें, नजरें नजरें। मैं आयतुल्ला मरशी नमाज पढ़ाते थे वहां हरम में, मर्जा जिसके चेहरे पर हैबत इतनी हो रही थी, एक लहजे के लिए मोहम्मद तकी बहजत के चेहरे पर निगाह आपकी फेर नहीं सकती थी, एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए। अमेरिका और इजराइल ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके मर्जाइयत की हैबत के ऊपर रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक नतीजा निकाला कि वाहिद शिया मजहब के मराजे हैं जिनकी सात पुश्तों की नस्ल में कोई खराबी नहीं है। इनके खून में कोई खराबी नहीं है, खून में खराबी ना हो तो बिकने का सवाल ही नहीं पैदा, खून में खराबी ना हो तो बिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया परेशान है,
जी देखने को जी चाहता है। हमारे पास ऐसे उलमा है ही नहीं कि किसी की आंख टेढ़ी है, किसी का पांव भीगा है। आप देखिए ऐसे ऐसे लोग भी हैं, मंजूस चेहरों पे लानत बरस रही है। कुरान मजीद ने कुछ चेहरे बताए हैं। कुरान मजीद ने सूरह दहर पढ़िए, सूरह दहर। कुरान मजीद ने कुछ चेहरे बताए हैं, कुछ चेहरे दुनिया में, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ गुनाहगारों के चेहरे होते हैं, मनहूस मर्दूद चेहरे, खुश्क लकड़ी, सूखी लकड़ी, पिचकी हुई पेशानी, उभरे हुए दाल, लानत बरसती है। ये एक अल्लाह ताला का इंतजाम भी है कि तुम अगर इस्लामी अकदार का मजाक उड़ाओगे, मुनाफिक सूदखोर, ये जितने भी इस किस्म के लोग हैं जो इज्तिमाई गुनाहों में मुलव्वस होते हैं, इनके चेहरे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। इनके चेहरे तो शराबी को देखिए, आहिस्ता आहिस्ता पांव रखता है, उसे छोटा गड़ा भी तालाब नजर आता है। आप देखिए और कीजिए कभी शराबी में चलते हुए, छोटा गड़ा भी पूरा एक तालाब दिखता है, ऐसे लगता है कि वो मर जाए। आज तक किसी भी ब्याजखोर के पेंशन को दुनिया का कोई छू मंतर छू नहीं कर सकता। एक ब्याजखोर को जो पेंशन होता है, दुनिया का कोई मौजूदा उसे दुरुस्त नहीं कर सकता। पूरी दुनिया चैन से सो जाती है, सूद खोर चैन से नहीं सोता। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया है कि औलाद के मर जाने पे आदमी को नींद आ जाती है, माल के छिन जाने पे नींद नहीं आती, सूदखोर इसका मिस्ताक होता है। सूदखोर इस हदीस का मिस्ताक है कि माल औलाद मर जाती है, आदमी सो जाता है, सुकून से सो जाता है, लेकिन माल छिनता है तो आदमी को नींद नहीं आती। तो वो काम करना ही क्यों जिससे चेहरा बिगड़े, वो काम करना ही क्यों जिससे इंसान का ढांचा बिगड़े। फयाज कुदरत कभी बेफैज इंसान को बर्दाश्त नहीं करती। तो कुरान मजीद ने सूखे चेहरों को खुश्क टहनियों से तशबीह दी है। सूखी लकड़ी किस तरह, सूखी लकड़ी भीगी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। एक तरो ताजा आप छड़ी को देखिए कितनी खूबसूरत होती है, इससे उसे पानी मिला हुआ है, तरो ताजा छड़ी, चाहे अगर वो टेढ़ी भी है तो वो खूबसूरत नजर आएगी। लेकिन सूखी लकड़ी, कुरान मजीद कहता है जितने भी गुनहगार हैं उनके चेहरे सूखी लकड़ियों की तरह मैं टेढ़े कर दूंगा, वो टेढ़े हो जाएंगे, फिर उनमें वो रोग नहीं होता। हमारा मर्जा जैसे जैसे बूढ़ा होता है, दुनिया में नूर चलता हूं, दुनिया में नूर जो आता है, नूर एक होता है बचपन का नूर, एक होता है बचपन का नूर, बचपन का नूर पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 15 बरस तक रहता है, ये फित्री नेचुरली ये नूर खत्म नहीं होता। बशकल बच्चे का भी एक हुस्न होता है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक हुस्न रखा है, बचपन का नूर, बचपन का रोग, बचपन का जलाल, बचपन की मासूमियत, उसमें उसकी मासूमियत में हुस्न होता है, यानी हर मासूमियत में हुस्न होता है, हर मासूमियत में एक हुस्न होता है। दूसरा जवानी का नूर, बचपन का नूर भी जाहिर हो जाता है 15 बरस के बाद, फिर जवानी का नूर आता है चेहरे पे, जवानी का नूर, ये भी 35 इयर्स पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जिम का नूर आता है, कसरत का, एक बंदा अगर बाकायदा वॉकिंग करे, मैं तो नहीं करता हूं जी, लिखने पढ़ने की वजह से बहाने चाहें
चाहे जितने निकाल लें, लेकिन उमूमन ये है कि वो लोग कसरत करते हैं, जिम को जाते हैं, अपनी बॉडी को बनाते हैं, ये एक नूर होता है जो रियाजत करने वालों के जिस्म में आप देखते हैं, उनकी बॉडी शेड्यूल होती है, उनकी बॉडी खूबसूरत होती है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि तुम अगर शुक्राने नेमत करोगे अपने आज़ा के साथ भी, तुम सही बर्ताव करोगे तो तुम्हारे आज़ा भी तुम्हें एक चीज़ देंगे जिसे हुस्न कहते हैं, जिसे नूर कहते हैं। ये है। और एक होता है, ये सब नूर खत्म हो जाते हैं। बचपन का नूर 15 बरस में खत्म हो जाता है, जवानी का नूर 35 बरस में खत्म हो जाता है, रियाजत का नूर बूढ़ा होने के बाद खत्म हो जाता है, एक इबादत का नूर रह जाता है, एक इबादत का नूर। हमारे महाराजे किराम को देखिए, जैसे जैसे अली से मिलने के दिन करीब आते हैं, वैसे वैसे उनके असर होते हैं। दुनिया क्यों डरती है इनसे? इसलिए कि ये जवाब सलाम लेते हैं इमाम से, हर दिन ये इमाम को सलाम करते हैं, जवाब सलाम लेते हैं। इनकी इनकी नजर में पहले इस्लाम होता है, हमारी नजर में पहले सियासत बाद में इस्लाम, पहले पॉलिटिक्स बाद में शिया, पहले अपना ओहदा बाद में हम शिया, पहले हमारा मनसब बाद में हम शिया, ये हम हैं। इमाम एक है पेशेवर शिया, एक है अकीदे वाला शिया। हुसैन को पेशेवर शियों की जरूरत नहीं है, अकीदे वाले शियों की जरूरत है, जिनका अकीदा हुक्म हो। हमारे मराजे किराम सियासत को पहले नहीं रखते, वो पहले मजहब को रखते हैं। आयतुल्ला सिस्तानी ने जब दाइश ने कहा कि हम कर्बला पे कब्जा कर लेंगे, तो आयतुल्ला सिस्तानी ने अपने बेटे को बंदूक दे के भेजा, जाओ। किसी ने पूछा, आगा आप अपने बेटे को बंदूक देकर मरने के लिए भेज रहे हैं? तो सिस्तानी ने जवाब दिया, मैं यही बस समझाना चाहता हूँ, क्या औलाद हमारे लिए प्यारी नहीं है? सलाम और इबादत है। हालत नमाज में भी जवाब सलाम वाजिब है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ने आपको सलाम कर दिया, तो आप पलट के सलाम अलैकुम कहेंगे, वालेकुम सलाम नहीं, आप पलट के सलाम अलैकुम, उसे सलाम अलैकुम कहा, आप भी। अगर जमात में है, किसी एक ने भी जवाब दे दिया तो दूसरों से साबित हो जाएगा, सबको सलाम अलैकुम बोलने की जरूरत नहीं है। बीच में 500 लोग खड़े हुए, किसी ने सलाम किया तो सब मिलकर सलाम सलाम। एक जवाब दे, एक डिसिप्लिन होता है, एक निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम को फॉलो करो। तो इस्लाम वाजिबात में भी सिस्टम का कायल है, वाजिबात में भी डिसिप्लिन का कायल है। ऐसी वाजिबात को देखना नहीं चाहता जो डिसिप्लिन को तोड़ने वाली हो। तो जवाब सलाम नमाज में भी वाजिब है। तो बस इतना समझ लीजिए, ये वो इबादत है जिसकी नमाज में भी कज़ा नहीं है। ये वो इबादत है जिसकी नमाज में भी कज़ा नहीं है। तो सलाम कल्चर को आम करें। मैं अभी कुरान मजीद के नाज़िल पर काम कर रहा हूँ, मैं इस पर कुरान मजीद में कुरानी लैंग्वेज, एक है उर्दू लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज, कुरानी लैंग्वेज। हमारे माशरे में कितने जुमले और अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में दाखिल हो गए हैं, जैसे सलाम अलैकुम, अलैकुम सलाम, इन्ना लिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये कितने लफ्ज़े हैं कुरान की जो सब समझते हैं इनको। तो ऐसी कितनी आयतें हैं कुरान मजीद की खाने पीने में, आप पुरानी आयतों को इस्तेमाल करें। कुरान मजीद में खाओ भी है, पियो भी है, खिलाओ भी है, पिलाओ भी है,
दस्तरखान बिछाओ की भी आयत है, समेटो की भी आयत है। ये नाबे फिजा पूरी जिंदगी नाबे फिजा का कुरान में तकल्लुम किया है पूरी जिंदगी। वो कौन सी आयतें हो सकती है जिन्हें हम अपनी जबान में इंप्लीमेंट उनको कर सकते हैं। तो सलाम कल्चर को आम करें, सलाम बूढ़े बच्चे जवान घरों में बाहर महल्ले में गली कुचों में, ये करबला का मैसेज है। सलाम को आम करें। लोग कतरा के निकल जाते हैं, मेरे गांव में मैंने अक्सर लोगों को देखा शर्मते हैं सलाम को, सलाम करना बिल्कुल कयाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, करो सलाम छोड़ो नहीं। लोग गलियों में भागते हैं, छुपते हैं सलाम करने से। यार सलाम करो। करबला का हर शहीद जब खैमे से बाहर निकला है तो उसने सलाम किया, गिरते हुए आका को सलाम किया। गिरते हुए आका को उससे सलाम किया। अदादारों, अभी मुहर्रम से पहले की बात थी, लॉकडाउनों में हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, वैसे कर रहे थे कि मुहर्रम पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा लॉकडाउन में, और नौयत कैसी होगी, मुहर्रम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुहर्रम आया भी अच्छा गया, इतनी जल्दी उस सूरत के साथ। अमीर मोमिनीन ने नजीब अल्लाह में एक जुमला कहा है, नेकियां कुछ नेकियां ऐसी हैं जो अबरों की तरह आती है और अबरों की तरह गुजर जाती है, तेजी से गुजर जाती है। और उसके अहल होते हैं, कुछ लोग उसके अहल होते हैं जिन्होंने कर लिया कर लिया, वरना वो दूसरों तक पहुंच जाएंगे। जिनको मौका मिल गया आजादारी कर लेने का, उन्होंने आजादारी कर ली। जिस कौमों को रोना था उन्होंने रो लिया। और क्यों ना हो, अगर करबला वालों को बर्वक, वो एक बड़े आलिम थे, वो पढ़ा करते थे कि अगर करबला वालों को बर्वक रोने दिया गया होता तो आज हम ना रोते। यार हम को रोने नहीं दिया गया था। मैं वैसे जुमला कहता हूं, रोने के लिए बस इतना काफी है, सारे मसायब जब जनाब जैनब ने नोके नैजा पर इमाम हुसैन के सर को देखा तो एक जुमला कहा था, एक जुमला, पूरा दुनियाए अदब, दुनिया के सारे किसी भी जबान के मर्सिये हों, अरबी के फारसी के उर्दू के, सारे मर्सिये जैनब के उस एक जुमले पे कुर्बान है। उन्होंने कहा था अंता ही भैया, क्या तू ही मेरा भाई है, जुमला भैया क्या तू ही मेरा भाई है, अंता ही भैया क्या तू ही मेरा भाई है। नहीं, मैं शायद समझा नहीं पाया। दस मुहर्रम को इमाम हुसैन खैमे में आए हैं और जैनब से कहा, बहन मुझे मेरे उस बेटे के खैमे में ले जाओ जहां से सैयद सज्जाद गशी की हालत में है। इमाम हुसैन, सुनिए मसायब तमाम है, मसायब तमाम, जितना रोना है वो लीजिए, बड़े बड़े मसायब की जरूरत नहीं है, एक जुमला कहूंगा, जितनी ताब है आप में, जितनी तमाम है, ये चंद दिन है रोने के, रो लीजिए। जब इमाम सज्जाद के सरहाने इमाम हुसैन खड़े हो गए, गर्म कतरात अश्क इमाम हुसैन के सैयद सज्जाद के रुखसारों पे पड़े, सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, बाप को अकेला देखा, तो एहतराम में मेरा बीमार इमाम बिस्तर पे बैठना चाहता है, बाप के एहतराम में बिस्तर पे, ऐसे नाजुक हालात में भी बाप का एहतराम, एक चीज होती है बाप जिसको हमारा माशरा फरामोश कर रहा है, चीज होती है बाप, जहां खशी का आलम। अगर इमाम सज्जाद उठने की कोशिश ना भी करते तो भी उसके बाद जवाब था,
تشریق عالم میں بھی اسلامی احکام و اقدار کی پاسبانی کرنا, خیال رکھنا, یہ آل محمد کا کام ہے. بستر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, سید سجاد سے بستر پر بیٹھا نہیں گیا, سید سجاد سے بستر پر بیٹھا نہیں گیا, تو زینب نے بغل میں ہاتھ دے کر سید سجاد کو بستر پہ بٹھایا. جو بیمار ایک دن پہلے بستر پر بیٹھ نہیں سکتا تھا, ایک دن بعد اس کے ہاتھوں میں ایک دن پہلے میرا بیمار امام بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا, دس محرم کو بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا, گیارہ محرم کی صبح ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر. لنگر کہیں نہ تو وہاں کھینچتے ہیں. اور لنگر کی داستان میں ایک بڑی طویل داستان ہے. یہ لنگر ہوتا کس طرح تھا؟ پرانے زمانے کا جو لنگر ہوتا تھا, وہ لنگر کس طرح کا ہوتا تھا؟ کمر سے رسی باندھی جاتی تھی اور آخری سرے میں رسی کا ایک بہت بڑا گول پتھر باندھا جاتا تھا. یہ مصائب صرف ہم نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. امام سجاد کہتے ہیں میرے جتی اگر اصلی مصائب لوگوں تک پہنچ جائے تو ان کے کلیجے باہر آ جائے. گیارہ محرم کو بڑی مشکل سے زینب کو سید سجاد نے سوار کیا تھا. تمام بچوں اور بیویوں کو زینب نے سوار کیا, اور جب تمام بچے اور بیویاں ناپوں پہ سوار ہو چکی تو زینب کے سوار ہونے کی باری آئی. زینب نے فرات کا رخ کیا, کہا عباس میں جب مدینے سے چلی تھی تو تم نے میرے نکاح پر تھا عباس اٹھو. جملہ سنا لگے آہستہ آہستہ بھوبی اما کے پاس آئے, کہا بھوبی اما ایسا کرو میں حالت رکوع میں جاتا ہوں, آپ میری پشت پر قدم رکھ کے سوار ہو جانا. تاریخ کہتی ہے کہ سات مرتبہ سید سجاد کو غشایا, سات دفعہ میرا امام زمین پہ گرا, ساتویں دفعہ زینب سید سجاد کی پشت پر قدم رکھ کے ناکے میں سوار ہوئی. ابھی ناکا دو ہی قدم چلا تھا کہ زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. سید سجاد نے کہا بھوپی اما بڑی مشکل سے میں نے آپ کو سوار کیا تھا, آپ نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا کیوں دیا؟ تو زینب نے کہا بیٹا سجاد تو مجھے یہ بتا کہ یہ تیرا چہرہ دودھ کی طرح سفید کیوں ہو گیا, کیا تو مرنا چاہتا ہے؟ سید سجاد نے کہا بھوپی اما وہ جوان بیٹا مرنا چاہے تو کیا کرے جس کے بعد کا جنازہ دے ظلموا ايام من قلب ينقلبون.